आगे बढ़ते हैं और आपको भी शामिल करते हैं नौशहरा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद शिराज खट्टर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बाजौर में जमीयत उलमा इस्लाम पर होने वाले खुदकुश हमले की मजम्मत करते हुए दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा के मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने कहा है कि अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दे। तमाम सियासी मजहबी जमातों और स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर जमा होना होगा, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मौक़िफ़ पर आना होगा। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर अमन और जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के और उलमाए किराम के, देवबंद के, बरेलियों के, आले हदीसों के सारे जो उलमाए वो आज आ चुके हैं, वहाँ का दौरा कर चुके हैं और उनसे बातचीत भी की है। वहाँ के वजीर खारिजा आए पिछले दिन इस्लामाबाद, हमने भी उनसे खुल के बात की है। हुकूमत पाकिस्तान, हमारी पाकिस्तान की आर्मी और मुख्तलिफ सियासी मजहबी ग्रुपों के लीडरों ने उनसे बार बार अपीलें की हैं और अफगानिस्तान की अमारत ने भी बार बार इस बात का ऐलान किया है कि हम इस पर यकीन नहीं रखते कि किसी के मुल्क के अंदर इंटरफेरेंस करें या हमारे किसी को इजाजत दें कि वो अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। लेकिन इसका भरपूर उन्हें सबूत देना होगा और अपने बॉर्डर पे अगर हमारे मुख्तलिफ ईरान है, हिंदुस्तान है और हमारे साथ अफगानिस्तान है, अगर इसके बॉर्डर्स पे पाकिस्तान दुश्मन लोग छुपे हुए हैं और पाकिस्तानी आवाम को, मदारिस को, मसाजिद को, खानकाह